साउंड चेक कर लिए गुड इवनिंग आप सारे विद्यार्थियों को कैसे आप सभी लोग उम्मीद करते हैं सभी लोग घर पे होंगे सुरक्षित होंगे मजे में होंगे और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू भी रख पा रहे होंगे तो मेरे प्यारे आप देख सकते हो ये अभी जो है पिछले रात से ही कर सकते हैं बारिश और तेज हवा जो है चल रही है ये सारा का सारा जो है आपका यास जो आपका तूफान है वो उसी का आपका प्रकोप है तो मेरे प्यारे बहुत सारे जगह जैसे बहुत सारा कमेंट भी आया मेरे पास कि सर गांव में बिजली काफी देर से नहीं है मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है मतलब तरह तरह की बातें तो देखो यार पढ़ाई को जो है आप डिस्टर्ब मत करो क्योंकि इसी से आपकी जो है लाइफ सवरने वाला है तो मेरे प्यारे इस चीज को देखते हुए मैं आज की सेशन को मैं पोस्टपोन ना करके मैं पढ़ा रहा हूं कोई बात नहीं जैसे जिनके पास बिजली नहीं है कोई बात नहीं चीज को आप कल देख लीजिएगा ठीक है या फिर जब भी बिजली आ जाए मोबाइल को चार्ज करके आप क्या करना देख लेना लेकिन जो भी विद्यार्थी के पास सुविधा है वो जल्दी से फटाफट कर सकते हैं लोगों के भी शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए क्या ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और देखो भाई आज कर सकते हैं डिस्काउंट मैंने चैप्टर रखा है जिसको हम लोग छूट या बट्टा कहते हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है और इसका भी हम दो से तीन क्लास लगाएंगे और इसके अंतर्गत जितने भी प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं वो सारे सवाल को रखेंगे या फिर उससे रिलेटेड जो है सवाल को रखेंगे और सारे सवाल को पूरी कंसेप्ट के साथ हम क्लियर करेंगे थोड़ा यहां पर कमेंट दिखाइएगा चलिए तो यहां पर एक बार सारे के सारे विद्यार्थी जल्दी से अपने सारे फ्रेंड्स के बीच सेशन को शेयर कर दो यार है ना क्योंकि आपकी सपोर्ट की कह सकते हैं बिल्कुल जरूरत है क्योंकि जितनी संख्या में आप सारे विद्यार्थियों का प्यार रहेगा उतना ही हमें अच्छा लगेगा और आप देख पा रहे हैं डेली आप सारे विद्यार्थियों के लिए 9 बजे रात में चाहे आपका यास तूफान आ जाए ताउते आ जाए भाई कुछ भी हो जाए आपके लिए मैं लाइव रहूंगा ठीक है आपके लिए मैं लाइव रहूंगा तो एक बार सेशन को सारे के सारे लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए ठीक है भाई चलिए डाटा को एकदम बचा करके रखना है रात में नौ बजे टाइम सेट कर लो मैथ्स आपको जो है रात के नौ बजे करनी है चलिए तो बिना देर किए हुए सेशन को शुरुआत करते हैं एक बार सारे लोग जल्दी से अपने सारे फ्रेंड्स के भी सेशन को शेयर कर दीजिए जो नए विद्यार्थी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक भी कर दीजिए तब तक जो है आप सारे विद्यार्थियों के हित में एक नोटिस आपको दे दे रहे हैं जैसे देखिए मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट मैंने ला रखा है अंकुश और ऑफिशियल एप्लीकेशन पर और ये प्रैक्टिस सेट मैथमेटिक्स का एक जून से प्रारंभ हो रहा है क्या भाई एक जून से आपका प्रारंभ हो रहा है टाइमिंग जो है शाम में सात बजे है और मैं बता दूं कि इससे पैकेज एट ये जो बैच जो है पैकेज आठ के नाम से है और इसमें नामांकन जो है आपका एक सौ में आपका चल रहा है तो जो विद्यार्थी मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं एक एक दिन में बीस अलग अलग चैप्टर से बीस सवाल का सोल्यूशन देखना चाहते हैं अपनी तैयारी को आंकना चाहते हैं अपनी औकात पता करना चाहते हैं वो इस बैच में जरूर जुड़िए और अपने सारे दोस्तों को भी जोड़िए मिनिमम फी एक में है अगर कोई विद्यार्थी बिल्कुल बिगिनर है फ्रेशर है जो आपका कह सकते हैं कंपटीशन की दुनिया में कदम रखने वाले हैं उनके लिए अर्थमेटिक का ये जीरो टू हाई लेवल बैच है और ये इक्कीस मई को स्टार्ट हो चुका है जो भी क्लासेज हो चुका है उसका वीडियो मिलेगा और हर दिन सुबह में नौ बजे लाइव क्लास चलती है इसका ठीक है भाई नौ सौ निन्यानवे में नामांकन चल रहा है अंकुश सर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर हर दिन क्लास लगता है इसका ठीक है अगर कोई ऐसे विद्यार्थी जो आपका बिगिनर है या फिर जिनको एडवांस मैथ नहीं आता है वो इस बैच में जुड़ सकते हैं रिकॉर्डेड बैच है आप चाहे तो इस बैच को आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है महीने दो महीने में भी कंप्लीट आप कर सकते हैं एक एक दिन दो दो तीन तीन वीडियो आप देख करके कर सकते हो ऐसे इसकी वैलिडिटी मैंने आठ महीने दे रखा है जितना बार मन हो उतना बार आप देख सकते हैं और एक बहुत ही मिनिमम प्राइस तीन सौ इक्यावन मैंने रखा है तो आप सारे विद्यार्थी को एडवांस मैथ चाहिए तो इसमें आप जुड़ो अगर किसी को अर्थमेटिक का चाहिए जीरो टू हाई लेवल तो इसमें जुड़ो और जो विद्यार्थी पढ़ लिए हैं टेस्ट लगाना चाहते हैं वो पैकेज आठ को आप जाकर के एक में परचेज करेंगे और ये सारे के सारे क्लासेज जो है अंकुश सर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और यहाँ पर कोर्स को परचेज करिए किसी भी तरह का मान लेते हैं अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर आप देख लीजिए कॉन्टेक्ट नंबर है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है आप इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं क्लियर है भाई चलिए तो यहां पर आज की क्लास की शुरुआत जो है एक बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं मोटिवेशनल लाइन के साथ करते हैं ये जीवन है साहब ये जीवन है साहब उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे क्या ये जीवन है साहब उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे क्या गजब का लाइन यहां पर है तो मेरे प्यारे उलझो तभी सुलझोगो बिखरिए तभी आप कह सकते हैं निखरिएगा चलिए तो बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं आ, आपके सामने देखो भाई सब लोग हेडिंग लगा लीजिए एक बार डिस्काउंट ठीक है सब लोग जो है एक बार हेडिंग लगा लो यार डिस्काउंट ठीक है डिस्काउंट हेडिंग लगा लीजिए डिस्काउंट को वैसे हम लोग क्या करते हैं तो बट्टा कहते हैं या फिर इसको हम क्या कहते हैं पता है छूट कहते हैं क्लियर है, है भाई इसको हम क्या कहते हैं बट्टा कहते हैं या फिर इसको हम छूट कहते हैं ठीक है चलिए अब देखिए इसमें कुछ कुछ बेसिक बातें हैं कुछ कुछ बेसिक पॉइंट है कुछ बेसिक वर्ड्स है जिसके बारे में आपको जानना एकदम कंपलसरी है ठीक है भाई जिसके बारे में जानना एकदम कंपलसरी है तो चलिए यहां पर सारे विद्यार्थी देखिए देखिए सबसे पहले जो यहां पर होता है वो आपका होता है एमपी होता है क्या भाई एमपी जिसको हम कहते हैं मार्केट प्राइस क्या मार्केट प्राइस और हिंदी में कहते हैं इसको अंकित मूल्य हिंदी में क्या कहते हैं मेरे भाई अंकित मूल्य कहते हैं अब यहां पर कहोगे सर एमपी क्या होता है अंकित मूल्य क्या होता है तो बहुत सिंपल है किसी वस्तु पर जितने रुपए जो है आपका प्रिंट होता है कोई वस्तु पर जो पैसा प्रिंट किया होता है उसी को हम क्या बोलते हैं अंकित मूल कहते हैं एमआरपी कहते हैं क्लियर है देखते हैं कोई भी आप वस्तु खरीदते हैं जो भी अपनी जरूरत की चीजें उस पर कुछ न कुछ प्राइस लिखा हुआ रहता है बस वही क्या हो गया अंकित मूल आपका हो गया तो इतना ध्यान में रखना है दूसरी नंबर चीज क्या है आपका पता है डिस्काउंट क्या डिस्काउंट जिसको हम छूट या बटा कहते हैं अब देखिए जैसे मान लेते हैं मान लेते हैं कोई वस्तु है और वो वस्तु उसके पास काफी मात्रा में है और उन सारी वस्तुओं को वो जल्दी से क्या करता है करना चाहता है अपनी दुकान से वो निकालना चाहता है है ना जल्दी से उसको कह सकते हैं खत्म करना चाहता है ठीक है तो उसके लिए वो उस वस्तु पर कुछ पैसे क्या करेगा कम कर देगा जैसे मान लेते हैं कि पांच सौ रुपए किसी वस्तु पर प्रिंट है आपका ठीक है अब वो क्या किया सौ रुपये कम कर दिया क्या सौ रुपये उस वस्तु पर कम कर दिया तो भाई जितने रुपए अंकित मूल्य से कम कर दिया है वही समझो क्या है डिस्काउंट है वही समझो क्या है डिस्काउंट है और इसके बाद यहां पर क्या होता है पता है सेलिंग प्राइस होता है और इससे सब लोग परिचित है मैंने लाभ हानि में बताया है अब देखो यहां पर क्या है कि पांच सौ रुपए तो छपा हुआ था और सौ रुपये का क्या क्या, क्या डिस्काउंट दे दिया तो कस्टमर को बेचेगा कितने में पता है चार सौ रुपए में आपका चार सौ रुपये में आपका देख लो जरा तो ये सेलिंग प्राइस हो गया तो यहां से क्या हुआ एक फॉर्मूले निकला क्या फॉर्मूला निकला मेरे प्यारे तो फॉर्मूला निकला कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या एम पी एम पी और माइनस का क्या डिस्काउंट मतलब एम पी में से अगर डिस्काउंट को घटा देंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा नोट करो इसको जल्दी सब लोग कोई पूछेगा डिस्काउंट क्या होगा डिस्काउंट क्या होगा तो डिस्काउंट को आप इधर ला दीजिए तो इज उस तरह भेज देंगे तो माइनस का एस पी हो जाएगा क्या माइनस का एस पी हो जाएगा एम पी माइनस एस पी हो जाएगा क्लियर है अब देखो जिस प्रकार आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है ठीक उसी तरह डिस्काउंट पता है किस पे कैलकुलेट किया जाता है एमपी पर अरे डिस्काउंट किस पे दिया जाता है एमपी पे दिया जाता है तो याद रखना अगर कभी सवाल में पूछ देगा डिस्काउंट परसेंट तो कुछ नहीं करना है डिस्काउंट को लिखना है ऊपर और डिस्काउंट का कैलकुलेशन एमपी पे होता है इसलिए एमपी को कहाँ लिखेंगे नीचे और गुना कर देंगे 100 क्लियर है इसे लिखिएगा ये सब छोटी-छोटी बातें हैं क्या भाई फिर से बोल रहा हूं डिस्काउंट छूट किस पे दिया जाता है अंकित मूल्य दिया जाता है तो जब भी छूट का परसेंटेज लिखना रहेगा तो सिंपल सी बात है अंकित मूल्य को कहां लिखेंगे हम नीचे लिखेंगे क्लियर है भाई चलिए आगे बढ़े चलो भाई एक बार सब लोग शेयर करिए ठीक है एकदम कह सकते बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सवाल जो है आप सारे विद्यार्थियों के लिए मैं लेकर के आया हूं यहां पर उम्मीद करते हैं ऐसा कि आप ये तीन चीज जो है आप समझ चुके और ये तीन बात आप सारे विद्यार्थियों को ध्यान में होगा यही जो है आपका क्या है बेसिक बातें हैं चलिए इसको ऊपर करते हैं अब यहां पर सीखिए जिस प्रकार सीपी किसी वस्तु का 100 परसेंट हुआ करता था उसी प्रकार आप ध्यान में रखना कि एम पी जो है किसी भी वस्तु का क्या होता है पता है होता है क्या एम पी जो है किसी भी वस्तु का हंड्रेड परसेंट होता है अब बताइए जब इस पर कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा हंड्रेड परसेंट अंकित मूल्य जब इस पर कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा तो पता है सेलिंग प्राइस उस वस्तु का कितना हो जाएगा तो हंड्रेड से भी आपका कम हो जाएगा नहीं होगा जैसे मान लेते हंड्रेड परसेंट किसी वस्तु का कीमत है इस वस्तु का कीमत कितना होगा अंकित मूल्य होगा जो भी रुपए लिखा है समझो हंड्रेड हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो पता है वो हमेशा सौ से कम होता है अच्छा एक बात और समझिए है ना या फिर यहां समझो ये जो सेलिंग प्राइस चार है ना ये दुकानदार बेचा है इतने रुपए में तो ये दुकानदार के लिए बिक्रमुल होगा चार सौ और मैं एक ग्राहक हूं इस वस्तु को खरीदा हूं तो मेरे लिए ये क्या होगा कोस्ट प्राइस होगा सिंपल सी बात है मैं खरीदा हूं तो मेरे लिए प्राइस अब दुकानदार इतने इसमें बेचा है तो दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस होगा तो डिस्काउंट देने के बाद रकम इतना हुआ तो ये दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस हुआ बट मेरे लिए क्या हो गया कोस्ट प्राइस आपका हो गया ठीक है तो इस पे बहुत सारे सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है और इस पे हम बहुत सारे सवाल भी आगे ले रखे हैं आप सारे विद्यार्थी बारी बारी से सारे सवाल को देखिए और यही बेसिक कंसेप्ट उस सवाल में क्या होगा प्रयोग होगा क्या यही बेसिक कंसेप्ट उस सवाल में प्रयोग हुआ और सवाल के साथ साथ भी कुछ कंसेप्ट हम देखेंगे जो यूज होने वाला है ठीक है भाई चलिए तो यहां पर आते हैं आज के पहला सवाल पर आप सारे विद्यार्थियों के सामने और ये जो सवाल स्क्रीन पर दिख रहा है ना इस टाइप का सवाल एग्जाम में जम के पूछा जाता है ठीक है भाई देख लो यहां पर पहला सवाल ओहो एक मिनट थोड़ा भाई बढ़ाने दो देखिए यहां पर ये रहा पहला सवाल जल्दी से कमेंट बॉक्स में सारे विद्यार्थी इसका आंसर बताएंगे और बिल्कुल एकदम खतरनाक तरीका जो है आपको हम बताएंगे इस टाइप के सवाल का जिससे एग्जाम में आप सवाल को जल्दी फतह कर सकते हो देखो भाई कहता है क्या है ट्वेंटी परसेंट तथा ट्वेंटी परसेंट का दो क्रमिक बट्टा किस एकमात्र बट्टे के बराबर होगा समतुल्य मतलब बराबर मतलब क्या है जानते हो बीस परसेंट और बीस परसेंट की दो बार लगातार छूट दिया जा रहा है मतलब एक दुकानदार है वो सिर्फ एक ही छूट नहीं दे रहा है पहले वस्तु पर बीस परसेंट का डिस्काउंट दिया और उसके बाद जो कीमत बन गया उस पर फिर बीस परसेंट का डिस्काउंट दिया तब वस्तु को क्या करता है बेचता है दुकानदार बताओ कितना डिस्काउंट देता है दो डिस्काउंट देता है पहले ट्वेंटी परसेंट का फिर से ट्वेंटी परसेंट का तब क्या करता है चीज को बेच देता है क्लियर है भाई? तब चीज को बेच देता है तो सवाल यह कहता है कि ये जो दो गो डिस्काउंट है ये अलग अलग है तो आप इन दोनों के बदले में एक गो डिस्काउंट बताओ मतलब दो बार दुकानदार छूट ना दे करके वो चाहे कि इन दोनों के बराबर हम सिर्फ एक गो छूट दे क्या इन दोनों के बराबर सिर्फ एक गो छूट दे तो भाई वो आखिर कितने परसेंट का होगा यही आपसे पूछ रहा है मतलब इन दो क्रमिक है और इसका एक मात्र बटा क्या कर रहा, है? पूछ रहा है तो सीखिए एकमात्र बट्टा कैसे निकाला जाता है जरा सुनिएगा सब लोग सारा लोग सीखिएगा देखिए बीस परसेंट का मान पता है भिन्न में कितना होता है जल्दी बोलो भाई कितना होता है एक बट्टा पांच होता है क्लियर है अब देखो यहां पर ये बीस परसेंट क्या है डिस्काउंट है डिस्काउंट है तो याद रखना डिस्काउंट अंकित मूल्य पर होता है तो नीचे वाला क्या होगा पता है एम आपका होगा ठीक है और ऊपर वाला क्या होगा आपका डिस्काउंट होगा आपका समझो भाई ट्वेंटी परसेंट को आप बताओ क्या लिख सकते हो वन बाई फाइव ये सबको पता है डिस्काउंट एमपी पर होता है इसलिए नीचे वाला एमपी ऊपर वाला डिस्काउंट क्लियर है अच्छा पांच रुपया इस पर छपा हुआ है और एक काम छूट दे रहे हैं तो भाई मेरे बीके का कितना में बोलो जल्दी चार में अरे बिक्रे मूल का रेशियो कितना बनेगा चार बनेगा पांच माइनस एक चार ठीक है तो चलिए यहां पर इतना चीज जो है आपको आना चाहिए कोई भी परसेंटेज में क्या एमपी होगा क्या डिस्काउंट होगा क्या एसपी होगा यह चीज आपको आना चाहिए ठीक है अब चलिए हम सवाल पे बढ़ते हैं अब ये सवाल को जल्दी से कैसे खत्म किया जा सकता है तो तरीका सीखेगा ऐसे बहुत सारे तरीके हैं लेकिन उसमें जो बेस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं ठीक है सुनिएगा सब लोग 20 परसेंट डिस्काउंट तो 20 परसेंट का मतलब एक बड़ा पांच होता है इसका मतलब यह है कि अंकित मूल पांच है और एक का छूट दिया जा रहा है मतलब बेचा जा रहा है कितने में चार में देखो भाई अंकित मूल्य और एक का छूट दिया मतलब बेचा जा रहा है मतलब क्या होगा, सेम -सेम होगा पांच मतलब अंकित मूल्य वाली वस्तु को चार में परसेंट का छूट देने का मतलब यही है कि पांच वस्तु को चार में बेचना आपका अब क्या करो यहां पर सिंपली गुणा कर दो बोलो पांच पंचे कितना पचीस और यहां पर कितना चार चौके सोलह आपका क्लियर है भाई सोलह है इसका मतलब यह है कि ओवरऑल क्या मिला ओवरऑल तूला का मतलब क्या दोनों मिलाकर ओवरऑल क्या मिला तो ओवरऑल यही मिला कि पचीस पा का अंकित मूल्य है तो बेचा जा रहा है सोलह में बेचा जा रहा है कितने में सोलह में इसका मतलब समझ में आ रहा है पच्चीस रुपया अंकित मूल्य है बेचा जा रहा है सोलह में तो डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है नौ का अरे डिस्काउंट कितने का नौ का तो सोचो पच्चीस अंकित मूल्य है तो डिस्काउंट नौ का तो अगर अंकित मूल्य सौ होगा तो डिस्काउंट कितने का छत्तीस का तो आंसर नहीं हो गया ये आंसर हो गया डायरेक्ट सोच सकते हैं अंकित मूल्य को सौ बना लो तो सौ बनाने के लिए क्या करेंगे चार से यहां गुणा करेंगे और चार से यहां गुणा करेंगे अब सौ अंकित मूल्य है आप बेच रहे हैं कितने में चौसठ में तो सौ में से चौसठ लाओ छत्तीस का छूट वही उत्तर हो गया नहीं तो फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं नहीं तो फिर ऐसे भी आप कर सकते हो जरा ध्यान दो भाई यहां पर तो ऐसा भी कर सकते हो आप बताओ यहां पर हमको निकालना है डिस्काउंट परसेंट इससे कितना कम है नौ तो नौ का छूट हो गया अब गुना कितना एक सौ अब बटा अंकित मूल कितना पच्चीस अब देखो पच्चीस से कितने बार में कट जाएगा चार बार में तो नौ चौके छत्तीस परसेंट इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा तो पहला सवाल था इसलिए मैंने यहां पर टाइम लिया और ऐसा उम्मीद करते हैं कि सब लोग चीज को समझे होंगे चलिए भाई लाइट आ गया है <laughs> एक बार सेशन को शेयर करो यार लाइए दूसरा मोबाइल लाइए नहीं चलिए आगे बढ़े उम्मीद करते हैं सबको ये चीजें आपका समझ में आया होगा और देखो एग्जाम में कुछ नहीं करिए अगर हो सके तो एमपी को आप सौ बना लो क्या हो सके तो एमपी को सौ बना लो तो सिंपली बन रहा है चार से गुना और चार से गुना यहां अब सोचो कि सौ सो अंकित मूल्य है और बेचा जा रहा है कितने पर चौसठ पर तो कितना कम छत्तीस कम मतलब छत्तीस परसेंट का छूट आगे बढ़ते हैं भाई आगे बढ़ते हैं देखिए दो नंबर सवाल पे हम आते हैं सारे के सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा भाई लो भाई देखिए दो नंबर सवाल पे आइए कहता है बट्टा श्रेणी 10 परसेंट बीस परसेंट और 40 परसेंट लो भाई इस बार डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो कितना दे रखा है तीन दे रखा है आपका देखो एक गो दो गो तीन गो तीन अब सवाल कहता है कि इन तीनों के बदले एकमात्र बट्टा बताओ मतलब कोई दुकानदार ये तीन गो अलग अलग छूट नहीं देना चाहता है वो कहता है वो हमें कहता है कि कोई सारे ऐसा कैलकुलेट करके आप डाटा बताइए ना कि जो इन तीनों के बदले आपका वो हो मतलब ये तीन बार हमको छूट देना ना पड़े बस एक वो आप बता दीजिए और वही छूट दे देंगे तो समझो इसके बराबर हो जाएगा तो मेरे प्यारे अभी कॉन्सेप्ट जो है आपको मैंने बताया है हमसे पूछेगा हम, हम कहेंगे हमसे हम कहा पूछ रहे हो मेरे चलवन से पूछ लो वो एकदम बता देगा सही आपका तो कैसे बताइएगा सिंपल है देखो दस परसेंट को सबसे पहले कितना कहते हैं भिन्न में तो एक बटा दस कहते हैं तो कुछ नहीं दस एमपी है एक का डिस्काउंट तो एसपी कितना नो? बीस परसेंट को क्या कहते हैं मेरे प्यारे? एक बटा पांच बोलते हैं। मतलब 5 है और एक का डिस्काउंट तो कर सकते हो अपने आप को इतना डेवलप करिए तो पांच अंकित मूल्य और दो का छूट मतलब कितने में? में. क्या है, है और ये पता है, क्या है? अब यहां पर इन सबको गुणा करना होता है ठीक है अच्छा एक चीज और है कि अगर इसमें और इसमें अगर कुछ, कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हैं अगर इसमें इसमें कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हो अगर इसमें इसमें कुछ कट रहा है तो मैं देख रहा हूं कि एक जगह कट रहा है देखो दो से काटो इसको पांच बार में और दो से काटो इसको दो बार में क्योंकि गुणा होगा तो एक ही टर्म हो जाएगा और ये गुणा होगा तो एक ही टर्म हो जाएगा तो अगर कुछ से ये दोनों कट रहा है तो आप काटो बोलो मेरे प्यारे ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 92 18 18 3 ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा तो ओवरऑल ये क्या मिला ओवरऑल मिला तीनों मिला करके क्या मिला कि 125 का अंकित मूल्य है तो बेचा जा रहा है कितने में 54 में है ना तब कह रहा है बताओ डिस्काउंट परसेंट कितना होगा तो मेरे प्यारे बताइए इससे ये कितना कम है तो कहोगे सर 5 में से 4 घटा लो 1 और बारह में से सात इकहत्तर कम है मतलब इतने का डिस्काउंट दिया गया तो इतना गुणा सौ और बटा में अंकित मूल्य एक सौ पच्चीस काटो 25 से पांच बार में पच्चीस से चार बार में ठीक है अब कुछ नहीं इकहत्तर का चार गुणा करिए और पांच से क्या करिए आप भाग दे दीजिए ठीक है तो आंसर जो आपका बनेगा वो कितना बनेगा बता सकते हैं छप्पन पॉइंट आठ बनेगा ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा क्लियर है लो भाई सब जगह लाइट आ गया खगड़िया में आ गया यहां आ गया वहां आ गया <laughs> चलिए तो आंसर कितना हो गया 56.8 और पता है खगड़िया में तो आ गया भाई बट पटना में कट गया आपका लो पटना में लाइट कट गया यहां पे लाइट कटा हुआ है अब काम चल रहा है पता इन्वर्टर से काम चल रहा है आपका अब देखो इन्वर्टर कब तक काम करता है वैसे करेगा ही घबराइए नहीं क्योंकि है भी इन्वर्टर लगाया गया है यहां पर चलिए तो बढ़िया आगे तो यहां पर सिंपली यहां पर कुछ नहीं करना है देखो 10 से एक डिस्काउंट तो 10 9 लिख देना है 5 4 लिखना है 5 3 लिख देना है गुणा कर दो गुणा कर दो देख लो कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर सारे के सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान दीजिएगा भाई ठीक है तो इस तरीके से सवाल को जल्दी किया जा सकता है देखिए यहां पर यह सवाल को आप लोग देखिए क्या कहता है देखिए भाई कहता है कि एक कंपनी तीन प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है क्या एक कंपनी जो है तीन तरह का क्रमवार बट्टे पेश करती है देखो यह आपका पहला यह क्या दूसरा और यह क्या तीसरा ठीक है अब कहता है कि किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा यह चीज आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है तो जरा सब लोग ध्यान दीजिएगा सब लोग ध्यान दीजिए देखो आपको इन दोनों के बदले एक समतुल्य बट्टा निकालना होगा तो एक देखिए यहां पर वैसे भी निकाल सकते हैं नहीं तो यहां पर एक फॉर्मूला भी होता है लिख लीजिएगा सब लोग तो नहीं ए प्लस बी A, B 100 होता है, इसको लिख सब e, B होता है। इसको क्या ए प्लस बी माइनस एबी बाई हंड्रेड क्या ए प्लस बी माइनस एबी बाई हंड्रेड इससे भी निकाला सकता है ठीक है तो मैं यहां पर इसी का प्रयोग कर रहा हूं सारे लोग ध्यान दो पचीस और पंद्रह है तो क्या लिखेंगे देखिए जरा लिखेंगे पच्चीस प्लस पंद्रह है और माइनस पच्चीस गुणा पंद्रह बटा एक सौ क्लियर है भाई इसको हम क्या लिखेंगे जरा ध्यान दीजिए इसका हम समतुल्य बट्टा निकालना चाहते हैं तो क्या होगा जल्दी बोलो तो तीस प्लस दस और माइनस में कितना होगा तीस गुणा दस बटा में एक सौ हो जाएगा क्लियर है अगर हम पैंतीस पांच का निकालना चाहते हैं तो क्या होगा जल्दी बताइए पैंतीस प्लस, प्लस पांच माइनस पैंतीस गुणा पांच बट्टा में एक सौ हो जाएगा देख लीजिए जरा तो इन तीनों का समतुल्य बट्टा हम निकालना चाहते हैं अब कहते हैं कि किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा जैसे हम हो गए ग्राहक आप हो गए ग्राहक तो आपके लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन होगा जो छूट ज्यादा होगा क्या जो छूट ज्यादा होगा तो याद रखना ग्राहक के लिए जो सबसे अच्छा प्रस्ताव होता है वो पता है क्या होता है मैक्सिमम छूट होता है मैक्सिमम छूट होता है हम क्या चाहेंगे हम यही ना चाहेंगे कि ज्यादा से, से ज्यादा छूट मिले और वही अगर कहेगा दुकानदार के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा तो दुकानदार क्या चाहेगा कि जितने कम से कम छूट हमको देना पड़े तो तीनों छूट में जो सबसे बड़ा होगा वही होगा ग्राहक के लिए बेस्ट और तीनों छूट में जो सबसे छोटा होगा वही होगा दुकानदार के लिए बेस्ट बट हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है कि ग्राहक के लिए कौन बेस्ट है तो आपको देखना होगा कि इन तीनों में मैक्सिमम कौन है क्या इन तीनों में मैक्सिमम कौन है तो क्या मैक्सिमम पता नहीं किया सकता है देखो यहां पर क्या चीजें कुछ खास दिख रहा है बोलो इसको जोड़ो तो कितना चालीस इसको जोड़िए तो कितना चालीस और इसको जोड़िए तो कितना चालीस मतलब तो किस्मत है कि ऐसा हो रहा है नहीं तो क्या करेंगे इसका निकालेंगे इसका निकालेंगे इसका निकालेंगे जो सबसे ज्यादा आएगा उत्तर आएगा लेकिन यहां पर एक टेक्निक आपको बता रहे हैं कि बिना कैलकुलेशन किए आप पता कर सकते हो कि सबसे ज्यादा इसमें कौन है बताइए कितना तीन सौ पचहत्तर यहां पर देखो कितना होगा तीन सौ अरे भैया देखो तीन सौ पचहत्तर है यहां गुणा करो तो कितना तीन सौ यहां गुणा करो तो कितना एक सौ पचहत्तर ठीक है अब देखो चालीस है चालीस है चालीस है आपको पता करना है कि सबसे एक कौन है एक तो पता है चालीस में से जितने कम घटेगा ना उतने मान ज्यादा मिलेगा तो बताओ चालीस में से यहां एक सौ पचहत्तर घट रहा है यहां तीन सौ घट रहा है यहां तीन सौ पचहत्तर घट रहा है तो भाई मेरे चालीस में से सबसे कम ही घट रहा है तो सबसे कम जब घट रहा है ना तो यही मिलेगा आपका सबसे ज्यादा मतलब मैक्सिमम मिलेगा अगर आप सोल्व करते हैं तो सबसे ज्यादा जो मान मिलेगा वो तीसरे का मिलेगा इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ग्राहक के लिए जो सबसे अच्छा प्रस्ताव है वो आपका तीसरा होगा अब दुकानदार के लिए कहता तो देखो चालीस में से घट रहा है सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा जब घट रहा है तो क्या मिलेगा सबसे कम मिलेगा तो दुकानदार के लिए ये बेस्ट हो जाएगा पहला और ग्राहक के लिए कौन हो जाएगा तीसरा हो जाएगा क्लियर है सभी का पाली में लाइट है देखो यार यहां भी लाइट आ गया है ना तो उम्मीद करते हैं आप सारे के सारे विद्यार्थी जो है इस चीज को क्या कर रहे हो आप समझ गए ठीक है भाई चलिए चलिए आगे बढ़े देखो भाई बहुत सारे विद्यार्थी जो है खान सर पर कुछ बोलिए मतलब कमेंट का एकदम कर सकते हैं तांता लगा हुआ है तो मेरे भाई आ, सबसे पहले तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे देखो खान सर भी एक शिक्षक हुए हम भी एक शिक्षक हुए और जो विद्यार्थी शायद हमें जो भी देख पा रहे हैं मुश्किल से वैसे विद्यार्थी हैं जो मतलब कहीं ना कहीं दो तीन साल से हमसे जुड़े हुए हैं तो आप सारे लोगों को पता है कि जैसे हम हुए खान सर हुए तो मतलब ये शुरुआत से ही हम लोग साथ साथ पढ़ाए हैं वो जीके जी कराते थे वो मैं मैथ्स कराता था है ना अभी भी कराता हूं और अभी भी हम लोग दोनों जो है एक ही बिल्डिंग में है वो आपका ऊपर वाले फ्लोर पे पढ़ाते हैं मेरा क्लासरूम नीचे वाले आपके ग्राउंड फ्लोर पर है तो मेरे भाई वो एक टीचर है हम भी एक टीचर है और टीचर का कह सकते हैं और जो आपका कह सकते हैं उनकी जो पहचान होती है वो आपका उनकी टैलेंट के बदौलत होती है अब एक टीचर यार कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है क्या उसकी धर्म है क्या उसकी मजहब है उसका सरनेम क्या है उसका नाम क्या है यार इससे क्या मतलब है दुनिया को अब मीडिया को उठा लो कुछ ऐसे जो आपके कट्टरपंथी लोग हैं जो उनके खिलाफ़ में आवाज़ उठा रहे हैं तो मेरे भाई वो सब चीज़ जो है बस यही जाति को लेकर के धर्म को मतलब एक टीचर को बस फंसाने के लिए या फिर कुछ उनको उलझाने के लिए या फिर कह सकते हैं उनको डिस्टर्ब करने के लिए उन पर उंगली उठाया जा रहा है तो मेरे भाई उन सारे लोगों से ये कहना है कि आप यार एक शिक्षक पर क्यों क्लेम कर रहे हो और बहुत सारे आपके मुद्दे हैं जहाँ पर आपको चीज़ों में कमी आपको दिखे जो देश के हित में हो आप भाई उस पर आप उठाओ आप उस पर कह सकते हैं काम करो तो कहीं ना कहीं आपका देश आगे बढ़ेगा आपका एक टीचर को परेशान करने से यार क्या फायदा है इसी वजह से तो देश कहीं ना कहीं आपका पीछे जा रहा है जो चीज यार करना चाहिए वो आप कर नहीं रहे हो और फालतू का एक शिक्षक को आप परेशान कर रहे हो मैं उनको बहुत बारीकी से जानता हूं क्योंकि हम लोग काफी दिन जो है साथ साथ काम किए अभी मेरे साथ ही में ऐसा कुछ नहीं आपका है तो मेरे भाई कहीं ना कहीं कह सकते हैं आ, सर के साथ बिल्कुल हम हैं इसमें कोई दो राय नहीं है और सपोर्ट एकदम कर रहे हैं और आप सारे विद्यार्थी भी उनको सपोर्ट करिए और ये थोड़ा सा बुरा वक्त है आता है लाइफ में और वो क्या होता है टल जाता है घबराने की कोई जरूरत नहीं है और बिल्कुल उनसे बातचीत तो खैर होती ही रहती है इसमें कोई दो राय नहीं है तो बुरा वक्त है कट जाएगा और इस समय में थोड़ा सा पेशेंस से काम लेने का चीज़ है ठीक है भाई चलिए बाकी आप लोग सपोर्ट करते रहिए और किसी भी तरह का आगे अगर उस तरह का परेशानी दिक्कत हो तो मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ आपको घबराने की जरूरत नहीं है ठीक है भाई चलिए तो आगे बढ़ते हैं सवाल पे आते हैं यहां पर देखो बताओ यार अरे हम जैसे क्या ठहरे मैथ्स का टीचर ठहरे इतना मैं बता दूं कि मैं अपनी क्लासरूम में तो कभी राजनीति की मैं बात ही नहीं करता हूं अब वो खैर जीएस के टीचर है तो उनका तो खैर सब्जेक्ट ही है पॉलिटी तो उनको तो मजबूरन बच्चों को बताने के लिए ये सब बातचीत करना जरूरी होता है बताना जरूरी होता है लेकिन एक टीचर का मकसद जो होता है विद्यार्थी को और बता रहे तो भाई उसको ज्ञान देना होता है उसकी सारी चीज़ से अवगत कराना उनकी मकसद होता है अब बताओ टीचर को जो है इस तरीके से राजनीतिक में घसीटना या फिर कुछ उल्टी सीधी बात को लेकर के पब्लिक के बीच ये चीज़ को लाना ये सब कहीं ना कहीं यार गलत है शिक्षक तो कम से कम छोड़ दो पता है कि शिक्षक को जो है आपका भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है और शिक्षक अगर है तो समझो कि समाज जो है है सकते बेहतरीन मुकाम पर पहुंच सकता है एक देश कर सकते हो बेहतरीन मुकाम पर पहुंच सकता है तो भाई मेरे शिक्षक को तो कम से कम जो लोग ऐसा कर रहे हैं और कुछ ही लोग हैं चंद लोग हैं जो उनको बदनाम करने के लिए ये चीज कर रहे हैं तो भाई शिक्षक को कम से कम छोड़ो और बहुत सारे मुद्दे हैं देश में वैसी मुद्दा को आप उठाओ जिससे लोगों का कल्याण हो देश का भला हो हमारा ये कहना है और ये कहीं ना कहीं लाजमी भी है आपका जायज भी है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं भाई सवाल पे आते हैं सवाल संख्या चार पे देखिए ना चार नंबर सवाल क्या कहते हैं ये चार नंबर सवाल देखिए कहता है ध्यान दीजिएगा सब लोग कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्या अंकित मूल्य पर ग्राहक को ढाई परसेंट बट्टा दिया जाता है क्या ढाई परसेंट का बट्टा दिया जाता है ऐसा करो ना ये ढाई परसेंट को क्या आप भीन में नहीं लिख सकते हैं भाई ये जो भीन वाला कंसेप्ट है ना बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट है इसमें कोई दो राय नहीं है बहुत तगड़ा कंसेप्ट है देखो ये ढाई परसेंट को पता है कितना लिखा जा सकता है एक बटा चालीस लिखा जा सकता है क्लियर है अरे आप लिख लो ढाई ऊपर लिखो बटा में सौ लिखो काट दो ये मिल जाएगा अब नीचे वाला क्या होगा पता है एम होगा ऊपर वाला क्या होगा पता है डिस्काउंट आपका होगा अब बताइए जरा कि अंकित मूल्य चालीस है और डिस्काउंट दिया गया एक इसका मतलब बेचा गया कितने में पता है उनचालीस में बेचा गया क्या बेचा गया उनचालीस में तो दुकानदार तो बेच दिया उनचालीस में लेकिन खरीदा कौन ग्राहक तो सुनो एक व्यक्ति ने वो वस्तु उनचालीस रुपया में खरीद लिया इसका मतलब क्या है कि उनचालीस रेशियो इज इक्वल टू कितना है रुपया है तो बोलो एक रेशियो का मतलब कितना होगा एक रुपया होगा इसलिए हमसे पूछ रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य बताओ कितना है तो मेरे प्यारे अंकित मूल्य रेशियो कितना है चालीस है तो एक रेशियो का मतलब एक रुपया तो चालीस रेशियो का मतलब कितना चालीस रुपया और चालीस रुपया आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा क्लियर है चलिए आगे बढ़े चलिए आगे बढ़े भाई देखो उम्मीद करते हैं इसमें किसी को डाउट नहीं होगा सिंपली बात है ढाई परसेंट को अभिन्न में बदल लो एक बड़ा चालीस नीचे वाला एमपी ऊपर वाला डिस्काउंट बोलो चालीस अंकित मूल्य का छोड़ दिया गया मतलब उनचालीस में बेचा गया ठीक है भाई अब देखो उनचालीस रेशियो जो है वो आपका उनचालीस रुपए के बराबर है तो एक रेशियो का मतलब एक रुपए हो गया ठीक है कहता है कि अंकित मूल्य बताओ और अंकित मूल का रेशियो चालीस है तो एक रेशियो अगर एक के बराबर है तो चालीस रेशियो का मतलब चालीस रुपए आपका हो जाएगा क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं सवाल संख्या नेक्स्ट पर किसी भी तरह के डाउट हो कमेंट करके पूछिएगा भाई देखो सिस्टम अपडेट हुआ है पता नहीं इसमें क्या हो गया भाई देखिए ये सवाल संख्या नेक्स्ट पे आ अप पांच नंबर सवाल कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर दस परसेंट की छूट देता है तो जल्दी से यह दस परसेंट को आप भिन्न में लिख दो बोलो कितना एक बटा दस पता है नीचे वाला क्या होगा पता है एमपी होगा और ऊपर वाला क्या है पता है डिस्काउंट होगा आपका यदि वस्तु का अंकित मूल्य साढ़े चार सौ रुपए है मेरे प्यारे अंकित मूल का रेशियो दस है तो सीधे कहना कि चूंकि दस रेशियोज इक्वल टू साढ़े चार सौ रुपया तो बोलो एक रेशियो का मतलब कितना पैंतालीस रुपया इसलिए हमसे पूछता है कि सेलिंग प्राइस बताओ अब बताइए कि दस एम है और एक का डिस्काउंट दिया गया मतलब बेचा गया नौ में तो एक रेशियो का मतलब 45 तो नौ रेशियो का मतलब नौ गुणा पैंतालीस का नौ गुणा पैंतालीस तो आंसर कितना हो जाएगा चार सौ पांच रुपया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्लियर है <laughs> अगर किसी को डाउट है कमेंट करिए भाई आंसर कमेंट करो एकदम कमेंट बॉक्स में दौड़ना चाहिए ऐसे काम नहीं चलेगा नीतीश भाई टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है एक जून से टेस्ट सीरीज एक जून से स्टार्ट हो रहा है भाई चलिए आगे बढ़े कोई डाउट एक बार और कुछ लोग बोल रहे हैं एक बार और देख लो यार सिंपल से कितना बेहतरीन आपको कंसेप्ट हम बताए शुरू से लाइव रहिए ठीक ना दस परसेंट एक बड़ा दस सबको पता है नीचे वाला एमपी ऊपर वाला डिस्काउंट अब बताइए एमपी दिया है साढ़े चार सौ रुपए मतलब दस रेशियो बराबर साढ़े चार सौ तो एक रेशियो बराबर पैंतालीस कह रहा विक्रय बताओ तो 10 अंकित मूल एक का छूट दिया गया मतलब बेचा गया नौ में तो नौ का मान निकाल लिया पैंतालीस गुणा नौ चार आइए सवाल संख्या छह पे बढ़ते हैं सारे के सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा यहां पर सब लोग ध्यान दीजिए कहता है कि एक रुपया भाव बताए गए जुराबों जुराब समझ रहे हो मोजा मोजा जूता के साथ जो पहना जाता है एक सौ भाव बताए गए जुराबों के एक दर्जन जोड़े मेरे प्यारे एक दर्जन का मतलब क्या होता है बारह 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 जोड़े बारह जोड़े बीस परसेंट डिस्काउंट पर उपलब्ध है पता है एक सौ अस्सी भाव बताया गया बारह जोड़ा जुराब का कितने बार जोड़ा बारह जोड़ा जुराब का मूल्य बताया गया एक सौ अस्सी रुपया मतलब यह अंकित मूल्य है लेकिन 20% परसेंट का डिस्काउंट पे उपलब्ध है तो आप बताइए 180 का 20% प्रतिशत कितना होगा सारे लोग बोलेंगे शोर मचा दो भाई घर में तो इसका 20% प्रतिशत 36 होगा तो 36 रुपए छूट पर उपलब्ध है तो जल्दी से इसमें आप क्या करिए 36 आप माइनस करिए तो पता है कितना होगा ₹144 रुपिया आपका होगा क्या 144 होगा इसका मतलब ₹144 में 12 जोड़ा क्या 12 जोड़ा मोजा उपलब्ध है है क्लियर है? तो हमसे क्या पूछता है पता है है पूछता कि अड़तालीस रुपया में कितना जोड़ा आप खरीद सकते हो अगर आपके जेब में अड़तालीस रुपए है तो आप कितना खरीद सकते हो मेरे प्यारे जरा आप बताओ तो कितना सिंपल है यार क्या कितना सिंपल है देखो इसका पता है ये तिहाई है अरे इसका देख लो एक तिहाई है इधर से भी एक तिहाई कर दो तो कितना चार जोड़ा हो जाएगा और चार जोड़ा आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा बी हो जाएगा कोई डाउट किसी को <laughs> मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है चलिए आगे बढ़े एक बार यार कमेंट करके बताओ क्या ये सवाल सबको समझ में आया मैं चाहता हूं जिन्हें भी ये सवाल समझ में आया धड़ से जो है कमेंट बॉक्स में आप यस लिख करके टाइप करो जल्दी से धड़ाधड़ कमेंट बॉक्स में यस लिख करके टाइप करिए जिन्हें भी ये सवाल समझ में आया है आपका अब यार आप लोग इतना कमेंट करें आस्तिक भाई बोल रहे सर हार्ट का लाइन नहीं है अगर मेरे बस की बात होती ना तो 24 घंटे में 48 घंटे हार्ट पे आपका लाइट उपलब्ध करा देता है ना मतलब ऐसे बोल रहे हो जैसे यहां पर बिजली विभाग का यहां पर बैठा हुआ है यहां पर उसका जिसको मेन आपका उसका जो मैनेजर आपका है तो मेरे भाई वो अभी देख रहे हो सिचुएशन कुछ इस तरह का है तूफान है तेज हवाएं चल रही है बारिश हो रही है तो कहीं कहीं कुछ इश्यूज आ जाता है जिस वजह से लाइट को कट कर देता है फिर कुछ समय बाद वो चीज को ठीक करके दे देगा घबराते क्यों हैं आप है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर <laughs> देखो सवाल संख्या जो है सात आइए क्वेश्चन नंबर सेवन भाई लो ये सवाल संख्या सात पे आइए ये।, ये बड़ा रंगीन दिख रहा है सवाल भाई सवाल बड़ा रंगीन दिख रहा है और हम चाहते हैं कि ये सवाल पर आने से पहले जो है आपको कुछ कंसेप्ट सिखाएं कुछ कंसेप्ट सिखाएं देखो सीखो यहां पर जल्दी सब लोग यहां पर हेडिंग लगा लीजिए पता है क्या फ्लैट डिस्काउंट क्या फ्लैट डिस्काउंट अब ऐसा मत समझना कि सर कहीं डिस्काउंट फ्लैट तो कहीं ना डिस्काउंट में मिलेगा ए तो ये फ्लैट डिस्काउंट कहो सर फ्लैट डिस्काउंट क्या होता है तो आप सब लोग जाते होंगे शॉप में जाते होंगे मॉल में जाते होंगे जींस खरीदने जाते होंगे टी शर्ट खरीदने जाते होंगे शूज खरीदने जाते होंगे तो आप वहां पर देखे होंगे जनरली ये चीज़ लिखा रहता है जनरली ये चीज़ लिखा रहता है क्या लिखा रहता है बाई थ्री बाई थ्री गेट वन फ्री ये चीज लिखा रहता है आप जनरली देखते होंगे कि बाई थ्री गेट वन फ्री मतलब तीन खरीदो एक फ्री पाओ ऐसा कुछ लिखा रहता है बाई फोर गेट वन फ्री ऐसे कुछ लिखा रहता है तो इस तरह की जो डिस्काउंट होता है ना इसी को हम बोलते बोलते हैं हैं फ्लैट डिस्काउंट ठीक है थीके? इसी को बोलते हैं फ्लैट डिस्काउंट अब यहां पर ऐसा दिया हुआ है और आपसे पूछना है कि डिस्काउंट का परसेंट बताओ मतलब अगर कहीं लिखा है कि बाई थ्री गेट वन फ्री कोई पूछ देगा कि देखो ये लिखा हुआ है दुकान पर आप पढ़ते हो बताओ आखिर ये दुकानदार कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है तो आप आसानी से बता सकते हो देखो फ्री कितना है एक है एक फ्री है मतलब यही यह डिस्काउंट है तो डिस्काउंट और गुणा में कितना हो जाएगा एक क्योंकि डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है तो डिस्काउंट गुणा एक सौ बटा में एम अब कहोगे सर एम कितना होगा तो सिंपल है एम जो आपका होगा वो तीन प्लस कितना होगा एक होगा एमपी जब लिखना रहेगा तो इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे और चार से भाग देंगे सौ में यानी कितना हो जाएगा पच्चीस हो जाएगा कुछ लोग जानते हो इसको क्या बोल रहे होगा कुछ लोग इसको ऐसे बोल रहे हैं सर एक का छूट मिल रहा है खरीदे तीन गो अगुना हो जाएगा सौ तो भाई गलत हो जाएगा खरीदे तीन गो ये एम पी नहीं है कुछ लोग बोल रहे हैं सर तैंतीस पूर्णांकन परसेंट जो विद्यार्थी ये दे रहे हैं गलत जवाब है आपका कभी ऐसा नहीं होगा एक बटा तीन गुणा सौ याद रखना फ्लैट डिस्काउंट में जो एमपी होता है वो तीन प्लस एक चार हब हो का होता है अगर कोई विद्यार्थी अगर ये लिखे हैं तो उनके लिए एक उदाहरण हम देते हैं क्या कोई विद्यार्थी के मन में अगर तैतीस सही एक बड़ा तीन परसेंट चल रहा है तो उनके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं और यहां पर आप समझिएगा जरा अगर मान लेते हैं कहीं ऐसा लिखा रहेगा बाई वन गेट वन फ्री ठीक है इसका मतलब आपके हिसाब से क्या हो जाएगा वन फ्री है तो भाई वन एम पी कितना वन और कितना सो so, इसका मतलब पता है कितना हो गया हंड्रेड परसेंट हो जाएगा क्या डिस्काउंट कितना हो हंड्रेड परसेंट हो जाएगा बाई वन गेट वन फ्री अब अगर मान लेते हैं आपके हिसाब से चले जिनका तैतीस सही एक बड़ा तीन आ रहा था कि वन बाई वन इन हंड्रेड तो पता चल रहा है क्या आ रहा है यहां पर सो परसेंट का छूट आ रहा है मतलब क्या है? एक खरीदो और एक फ्री पाओ आपके हिसाब से सौ परसेंट छूट तो बताओ मेरे प्यारे अगर सौ परसेंट वो छूट दे ही रहा है तो उससे हम क्यों कहेंगे कि तुम हमको एक ही जींस दो अगर हम रहे ना और सौ परसेंट का डिस्काउंट दे तो कहेंगे तुमको एक जींस नहीं दो पूरा दुकाने दे दो दुकाने पूरा दे दो क्योंकि जेब से दो तो पैसा देना नहीं है क्यों भाई तो हंड्रेड परसेंट का छूट दे है तो ये आपका चीजें गलत है एमपी जो आपका होगा वो वन प्लस वन मतलब टू होगा और टू से कटेगा पचास बार में मतलब रियल में जो डिस्काउंट होगा ना वो पचास परसेंट होगा ना कि सौ परसेंट होगा अगर कहीं लिखा है बाई वन, गेट वन फ्री तो समझो सौ परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप सारे विद्यार्थी को यह चीजें समझ में आया होगा ठीक है अब इसी टाइप का सवाल जो है आपका यहां पर है आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा ओहो ध्यान दीजिए सब लोग ध्यान दीजिए कहता है सात नंबर से नौ नंबर तक सवाल बहुत बेहतरीन दे रहे हैं निम्नलिखित में से प्रतिशत छूट बताए और मैं बता रहा हूं इस टाइप के सवाल एग्जाम में जम के पूछे जाते हैं तो मेरे प्यारे सब लोग देखिएगा कोई वस्तु पांच खरीदने पर दो मुफ्त दिया जा रहा है तो डिस्काउंट परसेंट बताइए क्या प्रतिशत छूट बताइए इसका मतलब क्या हो गया बाई फाइव गेट टू फ्री तो भाई डिस्काउंट दो है ऊपर लिख देंगे लेकिन एम पी जो आपका होगा वो कितना होगा पांच प्लस दो क्या पांच प्लस दो कितना हो जाएगा सात और गुणा में कितना हो जाएगा एक सौ एन होगा डिस्काउंट परसेंट दो मुफ्त दिया जाता है तो डिस्काउंट और एम पी कितना होगा पांच प्लस दो हो जाएगा नीचे लिखे सौ अब बताइए दो सौ में जब सात से अगर हम भाग दे दिए तो आंसर कितना हो गया अट्ठाईस पूर्णांक चार बटा सात परसेंट ऑप्शन नंबर कौन सा बी हो जाएगा कितने लोग आया है <laughs> क्लियर है भाई मेरे भाई क्लियर है <laughs> आगे बढ़े एक बार कमेंट करके बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट आपको जबरदस्त लगा और उम्मीद करते हैं ऐसा कि आज के बाद ये सवाल आपसे नहीं छूटेगा अगर कभी ऐसा लिखा रहे बाई फाइव गेट टू फ्री तो भाई कितने परसेंट का डिस्काउंट है आप बता सकते कभी भी शॉप में जाइएगा तो आप परसेंट डिस्काउंट निकाल सकते हैं अगर कहीं भी शॉप वाला फ्लैट डिस्काउंट लिखा रहेगा तब तो, आज के बाद हो सकता है पहले आपको समस्या हो जाता चलिए तो यहां पर हम लेते हैं और सवाल निर्देशी सात नंबर से नौ नंबर के लिए क्या प्रतिशत छूट निकालना है तो मेरे भाई आपके सामने ये रहा सवाल आठ और ऐसा करते हैं आप इसका आंसर सब लोग दे दीजिएगा देखिए तो सवाल संख्या आठ क्या कहता है कहता है दो दर्जन नींबू अच्छा दो दर्जन मतलब समझ रहे हैं हो? चौबीस और एक दर्जन में हो, दर्जन में को दो नींबू खरीदने पर चार नीबू मुक्त बाई ट्वेंटी फोर गेट फोर फ्री आपका तो मेरे भाई चेको चार नींबू छूट दिया जा रहा है तो ऊपर और टोटल अंकित मूल्य कितना हो गया तो चौबीस प्लस चार कितना अट्ठाइस और गुणा में हो गया कितना एक सौ हो गया अब मेरे प्यारे चार से एक बार में और चार से सात बार में बोलो सौ में सात से भाग देंगे तो चौदह सही दो बटा सात परसेंट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा ए हो जाएगा क्लियर है चलिए भाई लो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी आ गए अब लगता है पक्का लाइट आ जाएगा है ना चलो यार बहुत अच्छी बात है मोदी जी क्या आप समझ पा रहे हैं आप बताइएगा जरूर कमेंट करके नरेंद्र दमोदर दास मोदी जी क्या आप समझ पा रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताइएगा हमें एं? कहीं पीएम साहब ही तो नहीं ना है कि भाई पीएम साहब के नाम से कोई आईडी चला रहा है वो है आपका फेक <laughs> आइए सवाल संख्या नौ क्या कहता है दो खरीदने पर एक मुफ्त बोलो भाई एक मुफ्त डिस्काउंट हो गया अंकित मूल कितना होगा दो और एक तीन और गुणा में हो जाएगा सौ तो बोलिए कितना होगा तैतीस सही एक बड़ा तीन परसेंट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई सट से मार देना है उत्तर आगे बढ़ते हैं सवाल संख्या नेक्स्ट पे बढ़ते हैं देखिए ये सवाल को आप सारे के सारे विद्यार्थी देखिएगा भाई बहुत ही बढ़िया सवाल है क्या कहता है कि एक विक्रेता पांच पुस्तक खरीदने पर एक पुस्तक मुफ्त देता है देखो यहां पर हम दो चीज लिख रहे हैं एक लिख रहे हैं एम पी और दूसरा लिख रहे हैं SP. ध्यान दीजिएगा एक विक्रेता पांच पांच पुस्तक खरीदने खरीदने पर क्या? खरीदने पर क्या एक मुफ्त देता है मतलब बाई फाइव गेट वन फ्री तो मेरे भाई एम पी कितना हो जाएगा तो फाइव प्लस वन डेट इज सिक्स हो जाएगा एमपी ठीक है और सिक्स में वन का डिस्काउंट है तो एस कितना होगा पांच होगा आपका अरे छो अंकित मूल है आ, एक का छूट है तो बिक्रेबुल पांचे ना होगा छह में से घटा पांच चलिए तो इसके हिसाब से एम पी क्या होगा एस पी क्या होगा वो चीजें मैंने लिख दिया फिर कहता है अभी खत्म नहीं हुआ सवाल सवाल और कहता है कि और वह बीस परसेंट की अतिरिक्त छूट भी देता है लो दो वेराइटी का छूट है एक छूट जानते हो वस्तु के रूप में है कि पांच पुस्तक खरीदो एक वस्तु मुफ्त ले जाओ वस्तु के रूप में छूट है और यहां क्या बोल रहा है बीस परसेंट का एक्स्ट्रा छूट देता है मतलब परसेंट के रूप में एक और छूट है तो मेरे भाई सबसे पहले ये बताओ कि 20 को हम कहते कितना है एक बड़ा पांच। इसका मतलब पांच क्या होगा अंकित मूल्य और एक का छूट दे रहे हैं मतलब विक्रय मूल्य कितना चार समझ में आ रहा है चलिए अब यहां पर सवाल क्या कहता है पता है कि बताइए उसने ग्राहकों को कितना प्रतिशत का छूट दिया मतलब ये दोनों छूट मिला के कह रहा है कि बताओ कितना छूट दिया है समतुल्य छूट पूछ रहा है तो देखिए इसको क्या करेंगे ऐसे गुणा कर देंगे इसको गुणा कर देंगे लेकिन गुणा काहे करेंगे सीधे देखो पाँच पाँच कट रहा है अगर दोनों में कुछ कॉमन है तो जरूर काटिएगा यहां पर देखिए दो से कट रहा है तीन बार में और दो से कट रहा है दो बार में तो सीधे यहां पर क्या लिखो तीन और यहां पर लिखो दो अब सोचो अंकित मूल्य ओवरऑल तीन है और बीका कितने में दो में तो एक का छोड़ दिया गया ना तो छूट गुना एक सौ और बटा अंकित मूल कितना तीन तो कितना हो जाएगा तैतीस से ही एक बड़ा तीन परसेंट ओवरऑल तो ये सब कंसेप्ट लगाइए ये सब जो कंसेप्ट है वो स्टैंडर्ड कंसेप्ट है और सवाल में अगर थोड़ा चेंजिंग भी करेगा तो कंसेप्ट समझे रहेंगे तो सवाल आपसे बन जाएगा आपका क्लियर है मेरे भाई एकदम माइंड में सेट कर लो क्या सेट कर लो कि हर दिन रात में कितने बजे नौ बजे आपका हर दिन डेली रात में नौ बजे मैं आपको एकदम पढ़ाने आऊंगा हाँ एकदम ये फिक्स हो गया है बस हमें जो है रहना चाहिए अगर हम रहेंगे तो नौ बजे आपको डेली आपको पढ़ाएंगे आपका है ना और काश मान लेते हैं कि कुछ इशू हो गया कोई समस्या हो गया हम ही ना रहे तो कहने का मतलब फिर कैसे हो पाएगा लेकिन ऐसे आपको पढ़ाने हम आएंगे ठीक है चलिए एकदम माइंड में सेट कर लो और हर दिन नौ बजे आप जुड़िए आगे बढ़ते हैं चलो भाई ये अगला सवाल आप सारे विद्यार्थियों के सामने यहां पर सारे के सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान दीजिएगा कहते हैं एक व्यापारी एक मिनट थोड़ा सीधर इसको लेने दो ताकि उधर जगह बन जाए लिखने के लिए यस सुनिए एक व्यापारी अंकित मूल्य पर चार परसेंट का बटा देता है मेरे प्यारे देखो यहां पर लिख लो एम पी और यहां पर लिख दो पहले एस पी लिख दो क्लियर है अब लिखो यहां पर क्या है अंकित मूल पर चार परसेंट का बटा देता है इसका मतलब यह है कि अंकित मूल्य यदि सौ है तो चार का बटा देता है मतलब विक्रय मूल्य कितना छियानवे इतना समझ में आ गया तथा पंद्रह वस्तुओं के प्रत्येक खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है पंद्रह वस्तु के प्रत्येक खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है अब बताओ मेरे प्यारे हा पंद्रह वस्तु के खरीद पर एक वस्तु मुफ्त यानी गेट वन फ्री तो मेरे भाई अंकित मूल्य कितना होगा पंद्रह और एक यहां पर कितना होगा बोलो सोलह होगा और 16 में एक का छूट दे रहा है तो बेच रहा है कितने में 15 में यानी विक्रय मूल्य पंद्रह हो जाएगा ठीक है अब देखो यहां पर ओवरऑल एमपी कितना होगा तो इसको हम क्या करेंगे कट करेंगे ठीक है भाई इसको हम क्या करेंगे जरा देखो कट करेंगे क्योंकि ये एक साथ गुणा होगा अगर कुछ कॉमन है तो आप काट के छोटा कर सकते हैं देखिए सोलह छक छियानबे ठीक है अब और काटिए और काटिए देखिए आ आ, आ आ आ आ देखो आ, नब्बे, क्या भाई पंद्रह छक नब्बे नब्बे पंद्रह छक नब्बे 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 का जीरो कटा तो नौ और यहां पे जीरो कटा तो दस हो गया क्या हो गया पहलियर है आप देख सकते हैं कि चार परसेंट का बट्टा देने का मतलब क्या है कि सौ अंकित मूल है तो छियानवे में बेचना और पंद्रह की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त मतलब अंकित मूल्य कितना होगा सोलह और बिक्रय कितना होगा पंद्रह होगा अब इसको और इसको काटो तो क्या मिला एम पता है दस मिला और एसपी कितना मिला नौ मिला आपका क्लियर है अब देखिए कहता है कहता है कि अंकित मूल्य मतलब क्या दस क्रैमुल से कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है अंकित मूल क्रैमुल है? है। तो जब तक नहीं निकालिएगा तब तक आप आंसर नहीं कर सकते हो तो सबसे पहले मेरे प्यारे आपको क्या निकालना होगा पता है सीपी निकालना होगा आप कहोगे सर सीपी कैसे निकाले ये तो माथा काम नहीं कर रहा है तो घबराते हम है ना बोलो एसपी कितना दिया है अरे एसपी कितना आया नौ no. तो मैंने आपको लाभ हानि मतलब पीछे के क्लास में सिखाया है कि जब एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर देंगे तो सीपी बन जाएगा अब बताओ 35 प्रतिशत का लाभ होता है तो होल वैल्यू कितना होगा 135 बटा 100 लाभ रहता है तो जोड़ देते हैं 135 बटा 100 होगा होल वैल्यू लेकिन सीपी निकालना है तो उल्टा गुणा करेंगे मतलब करेंगे 100 बटा 135. क्या होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे न हो जाएगा तो बताइए भाई नौ से ही पता है कितने बार में कटेगा पंद्रह बार में अरे देखो ना अब फिर पांच से कटेगा तीन बार में और पांच से ही कटेगा पता है कितने बार बीस बार में बीस बार में ठीक है अब चलिए आप सारे के सारे विद्यार्थी बताइए एम पी और वहां क्या निकल गया जल्दी बोलिए सीपी एम पी बताइए कितना है एम पी दस है जी कितना आया है बीस बटा तीन आया है क्या बीस बटा तीन आया है बीस बटा तीन आया है तो बताओ तीन जाके इसमें गुना होगा तो कितना तीस और कितना बीस मतलब क्या मतलब क्या तीन और दो आप देख सकते हैं कि अंकित मूल का रेशियो तीन है और क्रैमूल का रेशियो दो है तो सवाल यही तो बोला है कि अंकित मूल क्रैमूल से कितना प्रतिशत अधिक है क्या अंकित मूल्य देखो तीन है क्रैमूल दो है तो दू से देखो तीन कितना प्रतिशत ज्यादा है दो से तीन कितना परसेंट ज्यादा है जी पचास परसेंट ज्यादा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा आपका चलिए थोड़ा पानी पी ले रहे हैं आप लोग जल्दी से नोट करिए एक बार कमेंट करके बताइए अगर कोई डाउट है तो क्या गिरा लोटा गिरा भाई लोटा नहीं गिरा गेट अभी ओपन किया गया तो बजा था वो गेट को खोला गया था तो बजा था लोटा और ढकना नहीं गिर रहा है चलिए थाली की आवाज थी नहीं थाली भी नहीं था थाली यार कहां से आ जाएगा इसमें स्टूडियो में तो क्लियर है मजा आया सवाल समझ के कि नहीं आया तो ये सब सवाल जो थोड़ी सी स्टैंडर्ड लेवल के सवाल हैं और उसका मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके बताया और एक चीज आप देख रहे हो देखो अभी ग्यारह नंबर सवाल तक मैंने बताया है और सारे सवाल को मैं क्या कर रहा हूं एमपी और एसपी का रेशियो बना के सर्ट से सॉल्व कर दे रहा हूं मतलब इस पूरे चैप्टर को खत्म किया जा सकता है एमपी एसपी का रेशियो बना करके ठीक है मतलब बहुत कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है अगर आपने ये कंसेप्ट पर प्रैक्टिस कर लिया तो इस टाइप के सारे सवाल आपके हो जाएंगे चलिए और इस पर हम कुछ सवाल लेते हैं आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा यहां पर लीजिए सवाल संख्या बारह आपके सामने है लो भाई सवाल संख्या बारह क्या कहता है जरा इस पे आप फोकस करिए लीजिए बारह नंबर सवाल कहता है कि एक दुकानदार प्रत्येक चार वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है तो फिर से यहां पर आप लिखो क्या एम पी और क्या लिखो एस पी लिखो अब देखो भाई चार वस्तु खरीदने पर एक फ्री देता है तो एम पी कितना हो जाएगा पांच और एक का छूट है मतलब चार हो जाएगा एस हो जाएगा इतना क्लियर है फिर कहता है कि दस परसेंट का अतिरिक्त बट्टा देता है तो देखो दस परसेंट का मतलब क्या होता है पता है सबको एक बट्टा दस होता है इसका मतलब अंकित मूल्य कितना दस और एक का बटा देंगे तो विक्रय कितना नौ अब चलो लिखो यहां पर इसमें कुछ कट रहा है जी, जी। एकदम कट रहा है एकदम कट रहा है आप सारे विद्यार्थी ध्यान देखिए दो 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 से से कट कट रहा रहा है है बार में और ये पांच बार में तो कितना हो जाएगा पच्चीस और ये कितना हो जाएगा अठारह हो जाएगा आपका एम पी और एसपी हो गया ये एम पी और एसपी हो गया ओवरऑल हो गया है ना ये पूरा यहां से लेकर यहां तक अब कहता है तो उसे तो उसे 20% का लाभ होता है तो ऐसा करते हैं सीपी पता करते हैं भाई सीपी कितना होगा सीपी पता करते हैं कितना होगा तो बताइए एसपी कितना है 18 है 18 एसपी है अब हमको सीपी पता करना है तो मैंने लाभ हानि के क्लास में पिछले क्लास में मैंने सिखाया है कि जब सीपी निकालना रहेगा ना तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर देना तो बोलो जल्दी से 20% का मान कितना होगा जल्दी बोलिए 1/5 लाभ हो रहा है तो होल वैल्यू कितना छो बटा पांच अरे लाभ हो रहा था। है तो जोड़ के लिखते हैं छ बटा पांच लेकिन गुना करेंगे पता है किससे पांच बटा छे, छे से गुना करेंगे तो कितना हो तीन हो जाएगा जाएगा लो भाई सीपी पी पंद्रह एसपी अठारह एमपी पी, एम पी अरे सब तो मिल गया भाई सब तो मिल गया मजा आ गया अरे मजा आ गया देख लो कहता है यदि वस्तु का अंकित मूल्य चार सौ रुपए अंकित मूल्य चार सौ रुपए तो मेरे भाई अंकित मूल का रेशियो पच्चीस है तो सीधे कह देंगे चूंकि पच्चीस रेशियो का मतलब कितना चार सौ रुपया इसलिए इसलिए हमसे पूछता है कि क्रैमूल बताओ क्या प्यारे क्रैमुल बताओ तो क्रैमूल वहां पर देख लो कितना है पंद्रह है क्या क्रैमुल पंद्रह है तो पच्चीस रेशियो मतलब चार सौ तो पंद्रह रेशियो इक्वल टू व्हाट अब पच्चीस से इसको काटिए सोलह बार में घटेगा तो एक रेशियो बराबर सोलह तो पंद्रह रेशियो बराबर कितना दो सौ चालीस रुपया दो सौ चालीस रुपया आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा आगे बढ़े भाई आगे बढ़े चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और सारे के सारे विद्यार्थी अगले सवाल देखेंगे सवाल संख्या नेक्स्ट कितना नंबर सवाल है पता है तेरह नंबर सवाल है आइए तेरह नंबर सवाल कहता है किसी वस्तु के क्रेमुल से ऊपर कितने प्रतिशत है उसकी अंकित कीमत रखी जाए क्या करें क्रेमुल से ऊपर कितना प्रतिशत है अंकित कीमत रखी जाए कि ग्राहक को पांच परसेंट के छूट देने के बाद दुकानदार को तैंतीस परसेंट का लाभ हो ठीक है भाई तो देखो ना बहुत आसान है आप बताइए ये प्रोसेस को सीखे देखिए सबसे पहले क्या होता है एम होता है नहीं सबसे पहले सी होता है देखो सी होता है और क्रैमुल होता है दुकानदार सबसे पहले वस्तु क्या करता है खरीदता है और इसको क्या करता है कुछ बढ़ा करके उस वस्तु पर प्रिंट कर देता है मतलब एमपी करता है अब फिर इसके बाद क्या देता है वो डिस्काउंट देता है क्या करता है डिस्काउंट देता है अरे समझ रहे हैं बात को फिर से सुनो कि दुकानदार वस्तु को खरीद के लाता है और उसमें क्या करता है पता है कुछ परसेंट बढ़ा के क्या कर दिया अंकित कर दिया प्रिंट कर दिया अंकित मूल्य हो गया अब फिर इस पर पता है क्या किया जाता है कुछ डिस्काउंट दिया जाता है और उसके बाद चीज को बेच दिया जाता है क्या चीज को बेच दिया जाता है आप बेचेगा तो क्या होगा दो घटनाएं घटेगी या तो प्रॉफिट होगा या लॉस आपका होगा तो प्रॉफिट और लॉस पता है क्या है ये जो आपका रिजल्ट है जैसे हम वस्तु को खरीदेंगे और उसके मूल्य को बढ़ा करके क्या करेंगे प्रिंट कर देंगे तो एमपी हो गया फिर कुछ डिस्काउंट देके क्या करेंगे बेच देंगे अब बेचेंगे तब ना या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा प्रभाव है, है। तो सूत्र जिसको कहते हैं उससे बहुत आसानी से आप बना सकते हैं सवाल क्या कहते हैं क्रैमुल से कितना बढ़ा करके अंकित किया गया तो यहां पर मैंने मान लिया प्लस एक्स मैंने मान लिया कि क्रैमुल सेक्स परसेंट बढ़ाया गया देखो एक्स परसेंट के अंकित किया गया अब फिर डिस्काउंट कितना दिया गया पांच परसेंट तो यहां पर लिखेंगे माइनस का पांच देखो प्लस माइनस माइनस एक्स गुना पांच बटा एक सौ यही होता है प्रभाव सूत्र प्लस एक्स फिर माइनस पांच और यहां का साइन ये दोनों पे होता है प्लस माइनस माइनस एक्स गुना पांच बटा, बटा सौ प्रभाव सूत्र हो गया अब प्रभाव सूत्र के बराबर में रिजल्ट होता है प्रभाव सूत्र का रिजल्ट होता है रिजल्ट में क्या होगा या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा तो कहता है तैतीस परसेंट का लाभ होता है तो यहां पर लिखेंगे प्लस का तैतीस अगर तैतीस परसेंट का हानि कहता तो हम माइनस का तैतीस लिखते क्लियर है है ना जो लाभ होगा वो प्रभाव सूत्र का रिजल्ट आपका होगा चलो आगे बढ़ते हैं अब यहां पर इसको हम सोल्व करेंगे तो पता चल जाएगा क्रैमुल से कितना बढ़ा के अंकित किया गया है प्लस एक्स एक्स परसेंट अंकित किया गया फिर पांच परसेंट का डिस्काउंट दिया गया तब क्या हुआ तैतीस परसेंट का लाभ हुआ तो बराबर में प्लस का तैतीस अब जल्दी से इसको हम सोल्व करते हैं भाई फटाफट बोलिए देखिए बोलिए एक्स में से एक बेटा बीस घटेगा तो कितना होगा पता है उन्नीस एक्स बटा बीस घटेगा होगा और पांच जाकर के तैतीस में जुटेगा तो कितना हो जाएगा जल्दी बोलो अड़तीस हो जाएगा नहीं होगा जी अच्छा उन्नीस से कटा दो बार में अब बीस जाके गुना हुआ था एक्स का मान कितना चालीस एक्स का मान कितना चालीस इसका मतलब कर सकते हैं कि चालीस प्रतिशत से बढ़ा करके अंकित किया गया है तो इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे सबको आप जो है आसानी से आप क्या कर सकते हैं प्रभाव स्त्र से बना सकते हैं लाइन के बिना मजा नहीं आ रहा है भाई अंधेरिये में तो मजा आता है, है? है कि नहीं बात अंधेरा में तो ही मजा आता है एक बार की मैं बात बता रहा हूं बहुत पहले की बात है लगभग तीन चार साल पहले की घटना है आ, एक ए, मतलब एज ए टीचर चार साल पहले भी हम पढ़ाते ही थे तो हम भी गए थे और ए, कुछ लोग और थे उसमें एक बंदा था जो मतलब उसका डोज जो है ना खाने का किसी पार्टी में गए थे काफ़ी हैवी था मतलब काफ़ी खाता था वो लेकिन भाई मेरे वो एज ए टीचर था अब वहाँ पर बहुत सारे लोग था तो कभी कभी होता है कि अगर डोज ज़्यादा भी हो तो कुछ ऐसे लोग सामने में होते हैं जिसके सामने हम कम खाते हैं ये चीज दिखाना जरूरी हो जाता है तो क्या हुआ ना कि सब लोग जो है खाना तो लिए बट आराम से उस चम्मच से थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा था भाई खा रहा था लेकिन अचानक जो है किसी वजह से भाई लाइट चली गई गांव की बात ये लाइट चली गई तो मेरे प्यारे जब लाइट चली गई तो हम भी उसी के बगल में ही थे आपका फिर देखे जब लाइट जैसे ही गया वो चम्मच को फेंक करके थोड़ा से साना और मारने लगा एकदम ताबड़ तोड़ है ना तो भाई मेरे कहीं ना कहीं उसका जो नेचुरल जो चीज़ें था वो तो कहीं ना कहीं आपका आ गया तो वो क्या किया बंदा वही अंधेरिया का जो है फायदा उठा लिया आपका है ना और जम के खा लिया आराम से ढकरा फिर लाइट आया अपना है ना लेकिन हम तो नजदीक थे देख लिए और दो चार लोग देखे थे आपका है ना <laughs> तो अंधेरिए में मज़ा आता है है ना और करे वो मज़ा नहीं आ रहा है आगे बढ़ते हैं भाई इसी पर एक और सवाल यहां पर लेते हैं आप लोग सीखिएगा ज़रा देखिए सवाल संख्या चौदह क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से पचास परसेंट अधिक अंकित करता है क्या पचास प्रतिशत अधिक अंकित करता है देखिए इस बार क्या बोल दिया कि लागत मूल्य से पचास परसेंट के छापता है तो देखो प्लस पचास पचास परसेंट ज्यादा प्रिंट कर दिया प्लस पचास फिर कहता है पचीस परसेंट का डिस्काउंट देता है तो इसके बाद क्या करेगा डिस्काउंट देगा पचास परसेंट बढ़ा करके प्रिंट कर दिया अंकित मूल्य अब इस पचीस परसेंट का डिस्काउंट देगा तो माइनस पचीस आगे का चिन्ह सौ तो बताओ लाभ परसेंट कितना है तो जल्दी से इसको हम फटाफट क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो बोलो भाई ये पचास से कटेगा दो बार में अब बोलो पचास में से पच्चीस पचीस में से कटेगा पच्चीस पच्चीस बटा दो साढ़े बारह घटेगा तो कितना आया साढ़े बारह परसेंट आ गया उभी प्लस साइन के साथ आया तो हम दावे के साथ कह सकते हैं जब रिजल्ट प्लस साइन के साथ आया मतलब कह सकते हैं कि साढ़े बारह प्रतिशत क्या होगा लाभ होगा लेकिन वही जब माइनस साइन के साथ रिजल्ट आता तो हम हानि कहते क्लियर है भाई हानि कहते आगे बढ़े हाँ बिल्कुल शैलेश भाई हम भी शामिल थे चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल संख्या पंद्रह पे आइए सारे के सारे विद्यार्थी लो भाई सवाल संख्या पंद्रह आप सारे विद्यार्थी देखिएगा एक विक्रेता किसी वस्तु को दस परसेंट छूट पर बेचकर बीस प्रतिशत लाभ अर्जित करता है मेरे प्यारे देखो सबको पता है कि एम पी जो होता है वो अपने आप में पता है कितना होता है सौ परसेंट होता है ठीक है अच्छा दस परसेंट का डिस्काउंट देंगे इसका मतलब बेचेंगे कितने में नब्बे परसेंट में नब्बे परसेंट में और पता है नब्बे में बेचने से क्या हो रहा है बीस परसेंट लाभ हो रहा है बीस परसेंट लाभ हो रहा है मतलब एक सौ बीस के बराबर है क्लियर है इसलिए इसलिए करे सोलह परसेंट का छूट देंगे अगर सोलह परसेंट का छूट देंगे बोलो सौ अंकित बोल है इसलिए चौरासी परसेंट इक्वल टू निकालो उससे पता चल जाएगा तो चलिए बताइए देखिए तीस से कटेगा ये तीन बार में और तीस से कटेगा ये कितने बार में चार बार में अब देखिए जरा इसका ये अट्ठाईस गुना है क्या अरे इसका ये अट्ठाइस गुना है तो इधर भी गुना होगा तो चार का अठाइस गुना कितना होगा पता है एक सौ बारह आपका होगा और 112 किस बात को बताता है एक सौ बारह बताता है बारह प्रतिशत लाभ को बताता है क्लियर है एक सौ बारह बताता है प्रतिशत, को तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा एकदम आसान सा सोच सोचना है अंकित मूल्य किसी भी वस्तु का हंड्रेड परसेंट होता है यह सबको पता है और दस परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है मतलब बीस परसेंट का लाभ हो रहा है तो दस परसेंट का डिस्काउंट देने का मतलब क्या नब्बे में बेचना और नब्बे में बेचने से बीस परसेंट का लाभ हो रहा है मतलब नब्बे सोलह परसेंट का डिस्काउंट दे तो भाई सौ सो में सोलह घटाओ चौरासी में बेचेगा तो क्या होगा तो चौरासी का मान निकालो पता है इसका मान कितना होगा बारह प्रतिशत एक सौ बारह आया बिक्रमूल क्या एक सौ बारह और बिक्रमूल एक सौ बारह किस बात को बताता है बारह प्रतिशत लाभ को बताता है क्योंकि सौ से ये बारह ज्यादा आपका है ठीक है भाई उम्मीद करते हैं चीज को आप लोग समझे होंगे और देखो यहां पर ये जो पंद्रह सवाल ही करा करके आज हम छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के मोबाइल में मोबाइल जो है डिस्चार्ज आपका है और यहां भी जो है आपका काफी देर से लाइट कटा हुआ है इन्वर्टर जो है ऐसे डिस्चार्ज तो नहीं हुआ है लेकिन डिस्चार्ज जब हो जाएगा तो फिर काफी समस्या हो जाएगा इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर हमें भी समस्या हो जाएगी क्योंकि मैं भी तो घर में ही रहता हूँ और वहीं पर स्टूडियो लगा रखा इन्वर्टर डिस्चार्ज तो फिर हमें गर्मी में रहना पड़ेगा भाई गर्मी बर्दाश्त नहीं होगा तो आज के क्लास को मैंने बिल्कुल रेगुलर रहा और आज के क्लास में मैंने पंद्रह सवाल आपको कराया है पी पीडीएफ जो आपको हम अभी देंगे उसमें आपका कुल मिलाकर के बीस सवाल होंगे क्या बीस सवाल होंगे क्योंकि बीस सवाल हम कराने वाले थे ठीक है लेकिन बचा हुआ जो पांच सवाल है वो हम आपको कल के क्लास में करा देंगे क्या अभी जो पीडीएफ हम देंगे उसमें कुल मिलाकर बीस सवाल होंगे आपको कराया मैंने कितना सवाल आज पंद्रह सवाल तो बचा हुआ पांच सवाल हम कल के क्लास में करा देंगे ठीक है भाई उम्मीद करते हैं आपको किसी भी तरह की कोई एक्सक्यूज नहीं आपका होगा ठीक है और काफी कुछ सीखने को मिला होगा ठीक है तो आज के क्लास को हम यहीं पे रखेंगे और मिलेंगे जस्ट जो है आ, अगले दिन भाई अगले दिन और फिर से एक बार सारे विद्यार्थी को बता दे कि अगर कोई भी विद्यार्थी मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस सेट अगर लेना चाहते हैं तो अंकुश और ऑफिशियल एप्लीकेशन पर पैकेज आठ के नाम से मैंने ला रखा है एक जून से स्टार्ट हो रहा है शाम में सात बजे एक सौ ग्यारह रुपए मैंने इस प्रैक्टिस सेट का फी रखा है नामांकन जो है आपका प्रारंभ हो चुका है ठीक है मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस सेट आपका है दूसरी नंबर चीज है कोई भी विद्यार्थी अगर जीरो टू हाई लेवल फाउंडेशन बैच अर्थमेटिक का करना चाहते हैं यह भी अंकुश और ऑफिशियल एप्लीकेशन पर 21 मई को स्टार्ट हुआ सुबह में नौ बजे लाइव बैच है बाद में भी चाहे तो आप देख सकते हैं नौ में एडमिशन अंकुश और ऑफिशियल एप्लीकेशन पर स्टार्ट है कोई विद्यार्थी ऐसे है जो एडवांस मैथ का बैच लेना चाहते हैं जीरो टू हाई लेवल वो भी मैंने आपको ला रखा है बिल्कुल इसमें 130 से ऊपर आपको वीडियोज दिए जाएंगे और सारे क्लासेज अपडेटेड पीडीएफ के साथ कराया गया है और इसकी फी जो है मात्र मैंने तीन सौ इक्यावन यहाँ पर रखा है ठीक है तो अगर आपको एडवांस चाहिए तो जाइए अंकुश उन ऑफिशियल एप्लीकेशन में परचेज करिए अगर आपको अर्थमेटिक का बैच चाहिए या फिर आपके किसी मित्र को कोई आपके जूनियर को जो बिगिनर हो बिल्कुल फ्रेशर हो किसी को अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप जाइए कहाँ पर भाई अंकुश और ऑफिशियल एप्लीकेशन पर प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और वहीं पर जाकर कोर्स को परचेज कर लीजिए और किसी भी तरह की दिक्कत हो यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले सकते हैं दो मैंने मोबाइल नंबर दे रखा है आप इस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं ठीक है तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे हम रखते हैं और मिलेंगे जस्ट हम अगले दिन मतलब कल कितने बजे नौ बजे डिस्काउंट के अगले सेशन के साथ आप सारे विद्यार्थी पूरे दोस्तों के साथ एकदम सेम टाइम एकट टाइम नौ बजे लाइव आ जाइएगा ठीक है धन्यवाद बाय गुड नाइट शुभरात्रि लव यू